इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अरे जानने के लिए भी बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं, सोई जानई जेही देहु जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। इस जगत में विचार करिए, सारे रिश्ते नातों में कितने लोग ऐसे हैं जिनको हम बहुत जानते हैं और उनसे हमारा प्रेम टिका है। सोचे के परी प्यारे, हाँ, जिनके बारे में आप अधिक जान जाइएगा उनसे प्रेम जय जय हो जाएगा। अंगूरी पर गिने के परी, जिनसे कम जानते हैं उनसे प्रेम है, जिनके बारे में कम जानते हैं उनसे प्रेम है। कल हम जब कानपुर से चले सवेरे 4:30 बजे, तो हमने, हमारे मित्र हैं ज्ञानेंद्र तिवारी, इनको फोन मिलाया 5:30 बजे, तो इनका फोने नहीं, क्या बोलेंगे, पिक हुआ ना, उठबे नहीं किया। गांव में थे, टहलने गए थे, पूज्य बाबूजी के स्वास्थ्य में कुछ खटपट था, तो गांव में थे, तो हम भी चतुर सुजान हैं, बहू रानी को मिलाया नहीं, फंस जाएंगे। बहू रानी तुरंत फोन उठा लेती, तो क्या भैया, तो हमने कहा भाई मॉर्निंग टी कहाँ ली जाएगी लाला, तो इनका नहीं उठा, तो हमने अपने बाल सखा को मिला दिया, प्रदीप भैया को, तो ये भी रात में जगे थे, ये भी आनंदे ले रहे थे। हमने कहा आई कि जाई, क्योंकि 8 बजे बिटिया से कहा था कि हम घर आ जाएंगे, तो बोले नहीं आइए और चाय पी के जाइए। हमने कहा जय जय सही बताइए, नहीं तो हम चले जाएंगे। तो हम गए तो चाय वाय बन के तैयार थी, तो भैया के साथ पी के हम चले आए। अब देखिए हम यहाँ क्यों सुना रहे हैं, चाय नहीं सुना रहे हैं। आ ये भी ना मानिएगा कि ज्ञानंद भैया का प्रेम हमसे कम है। ठाकुर को जहां पीना था वहां पर तुरंत उठा दिए, अब लौटानी इनका नंबर रहेगा क्योंकि हमको 5 को जाना होगा। ये प्रेम स्वतः बनता है, हो बनाने से, ये तो हमारा आनंद है, सब आपको सुना दिया। अरे इतना प्रेम, हम जब निकलते थे तो, अब तो ये जो शहीद पथ बन गया है ना, हमारे संबंधों के लिए बड़ा खटराग हो गया है। अयोध्या जी से आओ तो लखनऊ के ऊपर 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 हवाई अड्डे के नीचे गिरता है, और शिकायत बहुत रहती है क्योंकि बीच में रुकता ही नहीं है रास्ता, तो कहाँ रुके हम, जय जय। परंतु ये बहुत फास्ट चलना ठीक नहीं है, प्रेम के लिए थोड़ा धीमे चलना चाहिए। धीमे रहेंगे तो प्रेम चढ़ता रहेगा, बनता रहेगा। स्तुतियां आप जानते हैं, ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से 4 छंद कहे, क्या, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन, गोद जहितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मर मन जान जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सो, जय जय अविनाशी सब भटवा।
अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निर्विवास गावहिं गुणगन गावहिं हरि सत्य हो दृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहायन विपति भरोता मन बच क्रम पानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर शारद श्रुति से जा कहूँ को नहीं जा परम भया दुर नमन नाथ पद कमल परम भया दुर नमन नाथ पद। देवताओं को भय सहित पृथ्वी को भय पूर्वक जानकर भगवान श्री हरि की ब्रह्मवाणी ने क्या कहा, जनि डर पहु। मुनिगण, सिद्धलोक, देवराज इंद्र, आपके लिए धरती पर शरीर धारण करूंगा। कहां अनसन सहित मनुज अवतारा ले हूं दिनकर। देखिए, हमको अपनी चिंता न हो, अपने वंश की चिंता होनी चाहिए। हम ऐसा रह जाएं कि पीढ़ियां हमारा अनुसरण करें। न जाने 33वीं या 40वीं पीढ़ी में चक्रवर्ती जी महाराज जन्मे, तब भगवान का जन्म भया। तो कितनी पीढ़ी में महाराज अंशुमान, असमंजस और भगीरथ जी हुए तो गंगा मैया आई। हमारे कुल में कितने लोग हो गए, छोड़िए न भाई, आप कल भी निवेदन किया था कि आप एक क्यों नहीं लिख पा रहे हैं अपने सामने, मैं पहला नंबर, मेरे पीछे। आप उदयपुर जाएंगे, उदयपुर में जब आप किला दर्शन करेंगे तो ये चक्र चलेगा ऐसे चलते 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 चलते। तो यहाँ राणा साहब जन्मे, जिनके आगे महा लगा, नाम भया महाराणा प्रताप। तो पहले नंबर में नहीं है ये, कल नंबर बताऊंगा। हम तो केवल दर्शन करते हैं, रिकॉर्डिंग फिकॉर्डिंग हम करते होते नहीं। बच्चे रिकॉर्ड किए हैं, पूछ के बताऊंगा। महाराणा साहब किस क्रमांक में, या तो पता नहीं 300 या 150 कुछ, इधर कोने में मैंने देखा लिखा था महाराणा प्रताप। इतनी पीढ़ियां चली गईं तब महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। अरे भाई, हम इतनी पीढ़ियां हमारी चली गई तो हम क्यों नहीं अपने को महापुरुष मान पा रहे। जीना ऐसा हो कि मेरे बाद आगे पंक्ति बढ़ती जाए। हम कर्म से बने एक क्रम, वो ऐसा किए वो तैसा, छोड़ो ना, आप जैसा करना है वैसा करो। हम एक क्रम, ब्रह्मवाणी ने कहा। कश्यप अदित जी ने तप किया है, उनको मैंने पूर्व में वचन दिया है, उनके घर में आएंगे सूर्यवंश में जब अवतरित होंगे वो। भगवान ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, भगवान के आने की प्रतीक्षा करिए और जाकर वन के नर बन जाइए। भगवान ब्रह्मा ने जैसे जैसे आज्ञा दिया सब लोग चले गए। गिरी, नाग, वृक्ष, ये उनके आयुध हुए। सब लोग धरती पर विराज कर भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कर्म करते हुए भगवान की प्रतीक्षा की जाए तो भगवान आज नहीं कल अवश्य आएंगे, कैसे भी
कृपा तो करेंगे। आइए चलते हैं श्री धाम अयोध्या, एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए श्री अयोध्या धाम की। सरयू मैया की जय। अवधपुरी रघु कुल मैं निराऊ, अयोध्या में चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी राजा थे। धर्म की धुरी को धारण करने वाले महाराज, गुण के खजाना और ज्ञानी, नित्य वस्तु भगवान के भजन का संग्रह करते थे। संसार अपने आप त्याग भाव में चला जाता था। माँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली तीन माताएं, तीन देवियां। बड़ी अम्बा कौशल्या जी ने एक दिन आग्रह किया, महाराज देव ऋण ऋषि ऋण इनसे तो हम लोग मुक्त हो गए, पितृ ऋण शेष रहा, कुछ इसके लिए भी गुरुदेव से प्रार्थना हो। देखिए गुरु कृपा में बड़ी शक्ति है, ये केवल अनुभूति की जा सकती है, लिखी नहीं जा सकती बात, गुरु कृपा ही केवलम। चक्रवर्ती जी महाराज से मां ने कहा और चक्रवर्ती जी महाराज को पहली बार एक बार भूपति मन माही भये गलान मोरे सुतनाही, गुरु गृह गयव तुरत मही चरण लागि करि दीन। चरण में प्रणाम किए जाकर बहुत भांति विनय किए, राज समाज का सुख सुनाए, परिवार का दुख सुनाए और सुनते ही गुरुदेव भगवान ने कहा राजन धरहु धीर होई हैं सुत त्रिभुवन विदित भगत भय शिंगे ऋषि वशिष्ठ भोला पुत्र काम शुभ भक्ति पूर्वक ऋषि सिंह ने मंत्रोच्चारण किया, गुरुदेव भगवान में आहुति दी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।